आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है। मुझे अक्सर अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा, लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाजार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया। ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फिलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूँगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम मिले, अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते हैं क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज़ है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो, और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पर रखा, 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पर रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है, क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन लेने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये मेरे पास वो है तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है, इन इस्लामिक फिलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12%, आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन तो आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि जब मार्केट के अंदर पैसा निकलता है तो ये पैसा बुनियादी तौर पे किसी ऐसे बैंक के जरिए निकलता है जो बैंक मुकम्मल तौर पे सिर्फ प्रॉफिट और इंटरेस्ट की बुनियाद पर चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूद के लेन देन में कभी भी नफे और नुकसान दोनों की बराबर डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जिसकी वजह से इस दुनिया के अंदर सूद की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो तमाम ममालिक जिन ममालिक ने इस्लामिक बैंकिंग को पढ़ा, उन ममालिक के अंदर प्रॉफिट और लॉस की बुनियाद पर पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। यानी अगर किसी बैंक ने किसी शख्स से पैसा लिया तो वो बैंक उसको अगर तो किसी कारोबार में इस्तेमाल कर रहा है और उस कारोबार से फ़ायदा पहुंचता है तो उसकी मुकम्मल डिटेल्स अपने सारिफ के साथ शेयर करके उसको प्रॉफिट देगा, और अगर कोई नुकसान बैंक को पहुंचता है तो बैंक अपने सारिफ को बताएगा और लॉस में भी सारिफ उतना ही हिस्सेदार होगा। यानी आप सिर्फ और सिर्फ मुनाफा लेकर रिबा यानी सूद की तरफ नहीं जा सकते, आप नफे और नुकसान दोनों की बुनियाद पर रहेंगे। यही वजह है कि दुनिया में वो तमाम ममालिक जो कि सूद की बुनियाद पर बैंकारी करते हैं वो अमूमी तौर पर कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग हो रही है, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इंग्लैंड वगैरह ने इसकी इजाज़त दे दी है, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर से बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे मिशनरीज भेजे जाते हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग के बारे में तफसीलात ले आकर उस मुल्क की इकोनॉमी में इंड्यूस करते हैं और वो मुल्क तरक्की के रास्तों पर गामजन है। अगर भारत जैसे मुल्क में या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी इस तरह का मॉडल अडॉप्ट किया जाए तो यहाँ की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, मईशत बहुत स्टेबल हो जाएगी। मईशत से सूद को ख़त्म करना मकसूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर जो है वो इरशाद फरमा दिया है कि सूद लेना जो है वो हराम है, और जो शख्स सूद लेता है या सूद देता है वो खुदा के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता है। इसी तरीके से जब ये सवाल का जवाब दिया गया तो जिस शख्स ने यह सवाल किया था वो चूँकि ख़ुद भी एक बैंकार था, उसने ये बात मानी और वो वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद एक और शख्स आया जो कि एक सहाफ़ी था,
उसने डॉक्टर जाकिर नायक से आकर सवाल किया कि दुनिया के अंदर होने वाली दहशतगर्दी, जिसको हिंदी जबान में आतंकवाद कहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब आपका क्या मानना है। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं इसके बारे में पुणे के अंदर, जो इंडिया की एक रियासत है, वहाँ पर एक तकरीर भी कर चुका हूँ, बड़ी लंबी चौड़ी, जो कि इस बुनियाद पर थी कि दुनिया में कहा जाता था कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान है। तो मैंने इसकी बुनियाद पर वहाँ पर तकरीर की थी और मैं ये साबित किया था कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान पाक की सूरह मायदा में इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कत्ल के बदले जो कत्ल होता है उसके, या फिर कोई शख्स अगर ज़मीन में फसाद फैला रहा है तो उसके अलावा अगर किसी बेगुनाह को, किसी भी मासूम को कत्ल करता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इसके हवाले से कोई ये बात तय नहीं है कि वो मुसलमान होगा तो ये कत्ल हराम होगा, या वो कोई नॉन मुस्लिम होगा तो ये कत्ल हराम होगा, या कोई इस तरह की बात। अगर कोई शख्स ने किसी भी दूसरे इंसान को कत्ल किया, इसकी कोई रीज़न नहीं थी, उसने किसी मासूम को कत्ल किया है, तो ये कत्ल बिल्कुल नाजायज़ है। इस कत्ल के बाद उस शख्स को तो जो है वो इरेडिकेट किया ही जाएगा, दुनिया से भेजा ही जाएगा, लेकिन बरोज़ क़यामत भी इसकी जो है, इसके सवाल होगा, इसकी पूछताछ की जाएगी और उस शख्स को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा अगर उसने इस दुनिया के अंदर फसाद बर्पा किया कत्ल करके। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई अटैक्स जो हैं वो भी गलत हैं। अगर कोई जो है वो इंग्लैंड के अंदर अटैक हुए, 9/11 हुआ, जहाँ जहाँ पर कोई भी दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, वो किसी मुसलमान ने की, किसी हिंदू ने की, वो शख्स जो है वो बिल्कुल मलून है, लानती है, और वो जहन्नुम में ही जाएगा। इसी तरीके से ये भी कहा गया कि इन सारों की भी अगर बात की जाए, ये जो अटैक्स वगैरह अमूमी तौर पे मुसलमानों से रिलेट किए जाते हैं, आप इसकी तहकीक करें, ये साबित ही नहीं होगा कि किसी मुसलमान ने ये किया। हमेशा प्राइमरी सस्पेक्ट कहते हैं, यानी बुनियादी मशकूक शख्स कहा जा सकता है, वो कभी भी जो है वो उसको साबित नहीं कर सके कि ये मुसलमानों ने करवाए, बस बदनाम करने के लिए मुसलमानों को ये सारी जो है उस तरह के हथकंडे। और दूसरी बात ये कि आप जब इस तरह की जो है वो इंसिडेंट, जो कि 9/11 है या इंग्लैंड की बॉम्बिंग है या मुंबई अटैक्स हैं, इनको दहशतगर्दी कहते हैं, तो अफगानिस्तान और फलस्तीन के अंदर होने वाली बॉम्बिंग, वहाँ पर मरने वाले बच्चों के हवाले से आप कोई भी जरीदा उठा के देख लें, यूनाइटेड नेशंस इसको दहशतगर्दी नहीं कहती। वहाँ पर वो समझते हैं कि शायद कोई जंग चल रही है, खाना जंगी चल रही है, ये भी दहशतगर्दी है। और डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, दुनिया के अंदर कहीं पे भी मुनाफ़त नहीं होनी चाहिए, या सरासर मोम या सरासर संग हो जा की बुनियाद पर मामला तय होने चाहिए। तो ये बातें डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने जब कही, तो वो जो पत्रकार था, जो सहाफ़ी था, उसने इन बातों को माना और फिर उसके बाद ये डिस्कशन मुकम्मल हुई।